ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों इस ब्रह्मांड को रचने वाले और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। आदि पुरुष यानी कि विष्णु के अवतार राम का जन्म उस काल में हुआ था जब इस धरती पर रावण जैसे राक्षसों का आतंक था। लेकिन कुछ लोग हैं जो रामायण जैसे गाथाओं को एक मनगढ़ंत कथा कहते हैं। उन लोगों में से एक था रति नायक, जिसका रोल फिल्म में सैफ अली खान प्ले कर रहे हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है आधुनिक दुनिया यानी 21वीं सदी से। रति नायक श्रीलंका देश का रहने वाला एक महागुरु है। रति नायक ये दावा करता है कि वो रावण का ही रूप है और इंसान के रूप में जन्म लेकर इस धरती पर आया है। रति नायक के पास कुछ दैवीय शक्तियां भी हैं, जिसकी मदद से रति नायक लोगों के सामने रामायण काल में हुए सभी दृश्य को दर्शा सकता है। पहले पहले तो लोग रति नायक को पागल समझते थे, लेकिन बाद में जब रति नायक ने अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो लोग अब रति नायक से डरने लगे। रति नायक का कहना था कि रामायण में राम के द्वारा रावण को मारा जाना लिखा हुआ झूठ है। राम ने रावण को नहीं बल्कि रावण ने राम को ही अयोध्या जाकर मार दिया था और पूरी दुनिया को सच बताने ही रावण यानी के रति नायक फिर से इस दुनिया में आया है। रति नायक अब मीडिया के सामने आकर ये कहता है कि वो पूरी दुनिया को साबित कर सकता है कि रावण राम के हाथों नहीं बल्कि राम रावण के हाथों मारा गया था। अब पूरी दुनिया के सभी देश जहां जहां पे भी राम भक्त रहते थे रति नायक की बातों से आग बबूला हो जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट भी रति नायक को भारत आकर अपने दावों को सच करके दिखाने का मौका दे देती है। इंडिया में एक फेमस जर्नलिस्ट सीता शर्मा, जिसका रोल कियारा आडवाणी प्ले कर रही हैं, को इस पूरे इवेंट की जिम्मेवारी दे दी जाती है। सीता शर्मा अब रति नायक का लाइव टेलीकास्ट अयोध्या पहुंचकर करने के लिए चली जाती है। रति नायक भी हाई सिक्योरिटी के बीच श्रीलंका से अयोध्या आ जाता है। रति नायक अपनी दैवीय शक्तियों से रामायण के सभी दृश्य लोगों के सामने इस तरह दिखाने लग जाता है जैसे वो सब सच में हो रहा हो। लोग समझ नहीं पा रहे होते कि वो सच में रामायण काल में पहुंच गए हैं या उनकी आंखों का ये धोखा है। उन दृश्यों में रति नायक 10 सिरों वाला रावण बन जाता है और प्रभास राम के रूप में, जबकि जर्नलिस्ट सीता शर्मा माता सीता के रूप में आ जाती है। रावण के राक्षस और राम की वानर सेना, जिसमें हनुमान भी शामिल होते हैं, के बीच में महायुद्ध चल रहा होता है। उन दृश्यों की एक अजीब बात ये होती है कि कोई भी श्री राम यानी प्रभास का चेहरा देख नहीं पा रहा होता। फिर अचानक युद्ध में ठीक वैसा ही होता है जैसा रति नायक ने कहा था, मतलब 10 सिरों वाला रावण के हाथों राम का वध हो जाता है। ये देखकर बड़े बड़े महागुरु मिनिस्टर्स हिल जाते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता था कि विष्णु के अवतार श्री राम को कोई भी मार सके और वेदों कथाओं में जो लिखा था वो झूठ नहीं हो सकता। हर जगह हाहाकार मच जाती है, लोग रोने लग जाते हैं। फिर जब रति नायक रामायण काल के दृश्यों से लोगों को वापस लेकर आता है तो रति नायक लोगों से कहता है कि क्यों तुमने देख लिया ना, तुम्हारी कथाओं में झूठ लिखा हुआ था, रावण को कोई नहीं मार सकता, राम भी नहीं, वो तो खुद रावण के हाथों मारा गया था। रति नायक कहता है कि आज से सब जगह सिर्फ रावण की पूजा होगी, राम के सभी मंदिरों को तोड़कर वहां रावण के मंदिर बनवाए जाएंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट भी रति नायक से डरने लग जाती है और उसकी बातों को मानने लग जाती है। फिर जर्नलिस्ट सीता शर्मा का बॉस सीता को कहता है कि हमने उन रामायण काल के दृश्यों में तुम्हें सीता के रूप में देखा था, लेकिन हम श्री राम का चेहरा नहीं देख पाए। फिर सीता का बॉस उससे पूछता है कि
क्या तुमने श्री राम का चेहरा देखा था? क्योंकि अगर रावण का इस दुनिया में दोबारा जन्म हुआ है, सीता भी इस दुनिया में दोबारा जन्म लेकर आई है, तो फिर जरूर श्री राम का भी जन्म हुआ होगा। फिर सीता कहती है कि हाँ, मैंने राम का चेहरा देखा था और मुझे वो चेहरा जाना पहचाना लगा। फिर सीता का बॉस कहता है कि इस धरती पर कहीं ना कहीं श्री राम का जन्म हुआ होगा, हमको उनको ढूंढना पड़ेगा और फिर से एक बार झूठ और बुराई का अंत करने के लिए सच्चाई और अच्छाई को आना पड़ेगा। फिर सीता श्री राम के चेहरे वाले इंसान को ढूंढना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ रति नायक राम के मंदिर तुड़वा कर रावण के मंदिर बनवाने शुरू कर देता है। एक दिन अचानक सीता को डिस्कवरी चैनल देखते हुए एक आदिवासी समुदाय के कबीले में एक शिकारी दिखाई देता है। वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि राम यानी प्रभास ही होता है। सीता उस कबीले में राम यानी प्रभास से मिलने जाती है। राम जो कई सालों से उस कबीले में रह रहा था, नहीं जानता था कि सीता उससे क्या चाहती है। लेकिन जब सीता राम को रति नायक और रामायण के बारे में बताती है तो राम सीता की मदद करने को तैयार हो जाता है। अब सीता टीवी न्यूज के जरिए ये अनाउंस कर देती है कि रति नायक के दावों को झूठा साबित करने के लिए श्री राम आ गए हैं और फिर से एक बार महायुद्ध होगा, जिस युद्ध में रावण श्री राम के हाथों मारा जाएगा। उधर रति नायक को जब पता चलता है कि सीता ने राम को ढूंढ लिया है तो रति नायक अब अपनी दैव्य शक्तियों की मदद से राम और सीता को लोगों के सामने मारना चाहता है। अब फिर से एक बार लोगों के सामने राम और रावण के बीच महायुद्ध शुरू होने वाला होता है। लोग फिर से रामायण काल के दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान हो रहे होते हैं। राम यानी प्रभास भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। चारों तरफ युद्ध के कारण कत्लेआम होना शुरू हो जाता है। सभी लोगों की नजरें सिर्फ रावण और राम के बीच चल रहे युद्ध पर होती हैं। राम जो पहले एक आदिवासी का जीवन व्यतीत कर रहा था, को खुद नहीं पता कि उसके पास भी कुछ दैव्य शक्तियां हैं। लेकिन जब रावण राम पर दैव्य शक्तियों से प्रहार करता है, तब राम भी अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पहली बार रावण के प्रहारों को रोकने में करता है। अब लोगों की उम्मीद जाग उठती है। राम को बहादुरी से रावण के साथ लड़ते हुए देख लोगों को विश्वास हो जाता है कि रामायण का इतिहास झूठा नहीं था। बुराई कभी अच्छाई से नहीं जीत सकती। आखिरकार राम के हाथों रावण मारा जाता है और अच्छाई से बुराई का अंत हो जाता है। क्योंकि रति नायक एक बुरी आत्मा का रूप लेकर इस धरती पर आया था, इसलिए रामायण काल के दृश्यों में रावण के मरते ही रति नायक भी मारा जाता है। ये सब देखकर लोग खुशी से झूम पड़ते हैं और फिर से इंडिया में दशहरे की तरह रावण के मरने पर जश्न मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद राम फिर से अपने घर जो जंगलों में है में जाकर आदिवासी की तरह जीवन व्यतीत करने लग जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।